वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे एक टेस्टी एंड इजी रेसिपी बटर पनीर मसाला। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे हमने 200 ग्राम पनीर लिया हुआ है, जिसे इस तरह से क्यूब में काट के लिया हुआ है। अब इसका मैरिनेट का मसाला तैयार करते हैं। एक टेबलस्पून ऑयल में हम 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इससे रेड चिली का कलर अच्छा खिल के आता है। तो मिक्स करने के बाद इसमें हम 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करेंगे और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर सॉल्ट, इसकी जगह पे नॉर्मल नमक भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून रोस्टेड बेसन और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून कस्तूरी मेथी ऐड करेंगे और 50 ग्राम हैंकर दही। तो इस तरह से सारे मसालों को मिक्स करने के बाद इसमें हम पनीर ऐड करेंगे और पनीर पे अच्छी तरह से मसाले को कोट करेंगे। 1 पिंच ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे, इससे कलर बहुत अच्छा है पनीर का। अब आधे घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए रखेंगे। पनीर के मैरिनेट होने के बाद दूसरे पैन में हम 3 टेबलस्पून ऑयल लेंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 छोटा टुकड़ा जायफल, 2 लौंग, 1 छोटा टुकड़ा जावित्री, 5 काली मिर्च और 2 इलायची। सौते करने के बाद इसमें 1 बड़े साइज़ का रफली चॉप किया हुआ प्याज ऐड करेंगे, साथ ही ऐड करेंगे 2 बड़े साइज़ के रफली चॉप किए हुए टमाटर, मिक्स करेंगे, और 10 से 12 काजू और 7 से 8 लहसुन की कलियां, 1 छोटा टुकड़ा अदरक का और 3 हरी मिर्च। थोड़ी सी हरे धनिया की डंठल लेंगे, इससे मसाले में टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। मिक्स करेंगे और स्लो फ्लेम पे कवर करके रखेंगे सॉफ्ट होने के लिए। तो एक बार बीच में चेक करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून और अच्छी तरह से कवर करके सॉफ्ट होने के लिए रखेंगे। तो इस तरह से सॉफ्ट होने के बाद गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसे ठंडा कर लेंगे। अब दूसरे बर्तन में हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे और इसमें हम पनीर को फ्राई करने के लिए रखेंगे। एक साइड से इस तरह से कलर आने पर बैक साइड से उसी तरह से फ्राई करके निकालेंगे। अब यहाँ पे टमाटर प्याज भी ठंडा हो चुका है, काली मिर्च और लौंग को निकालेंगे, वरना हमारे मसाले में कलर अच्छा नहीं आएगा, काला पड़ जाएगा। तो अब इसे पीस लेंगे थोड़ा सा पानी ऐड करके। तो इस तरह से पेस्ट बनाने के बाद इसे हम छान लेंगे स्ट्रेनर से, ताकि मसाला हमारा अच्छी तरह से क्रीमी बन सके। तो अच्छी तरह से छान लेने के बाद इसे हम साइड में रखेंगे। अब दूसरे बर्तन में हम 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और 50 ग्राम बटर, साथ ही ऐड करेंगे 1 तेज़पत्ता, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट। सोते करेंगे 2 से 3 मिनट स्लो फ्लेम पे। तो अदरक लहसुन पेस्ट को सोते करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी, मिक्स करेंगे। अब ग्रेवी का मसाला जो कि पीस के रखा हुआ था वो ऐड करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करके सारा मसाला ले लेंगे। तो इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करके ग्रेवी तैयार करेंगे। नमक ऐड करेंगे टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि पनीर में भी हमारे नमक है, इसलिए टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे। और 1 टेबलस्पून शक्कर और 1 टीस्पून कस्तूरी मेथी, 1 पिंच और एक फूड कलर ऐड करेंगे, ये ऑप्शनल है, इससे हमारे ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा आएगा। और 3 से 4 टेबलस्पून क्रीम ऐड करेंगे और 1 से 2 टेबलस्पून बटर। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे और साथ ही ऐड करेंगे फ्राई किया हुआ पनीर। अब इसे हम स्लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट पका लेंगे। तो इस तरह से पका लेने के बाद बटर पनीर मसाला हमारा रेडी हो चुका है, देखिए कितना क्रीमी बन चुका है। अब इसे हम सर्व करेंगे। तो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बटर पनीर हमारा रेडी हो चुका है। थोड़ी सी क्रीम और बटर से इसे गार्निश करेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। अगर आपको हमारे बटर पनीर की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।